शहर में 18 जनवरी को होने वाले नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव के लिए शनिवार को चंडीगढ़ की सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से चंडीगढ़ नगर निगम कार्यालय में अपने अपने नामांकन दाखिल किए गए, जिसके चलते सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल के नेतृत्व में अध्यक्ष H.S. लक्की अपने सभी उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने पहुंचे और मेयर पद के लिए कांग्रेस की तरफ जसबीर सिंह बंटी, सीनियर डिप्टी मेयर के पद के लिए गुरप्रीत सिंह गैबी और डिप्टी मेयर पद के लिए निर्मला देवी का नामांकन दाखिल किया गया। ऑल इंडिया जो लोकसभा के लिए ऊपर एक ऑल इंडिया का अलायंस बनाया है जिसको इंडिया कहा जाता है, नेशनल इंडियन राष्ट्रीय नेशनल जो डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस है उसके तहत उसमें कांग्रेस भी उसका एक हिस्सा है, आप भी उसका हिस्सा है। दोनों में एक बुनियादी तौर पे फैसला हो चुका है कि दोनों ने मिलके वहाँ के लोकसभा के लिए काम करना है। अब यहाँ कॉरपोरेशन का क्योंकि चुनाव लोकसभा से 2 महीने पहले ही आया था, आपसे भी वहाँ चर्चा हो रही थी, तो ये स्वाभाविक था कि हम लोगों की एक जिम्मेदारी भी थी। इंद्र जी, आपका और आपके चैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें इन्वाइट किया आज सद भैया। मैं उससे सबसे बड़ी बात, मैं अपनी पार्टी हाईकमांड श्री कौन बस हमारे हमन प्यारे नेता जिन्हें शहर को एक बुलंदियों पर जो लेकिन उनके समय में बुलंदियों में थे शहर, श्री पवन कुमार बंसल जी, पार्टी के प्रधान श्री H.S. लक्की जी, पार्टी हाईकमांड के सभी तमाम नेतागण, हमारे सभी पार्षदगण, सभी का तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने मुझ पर अपना इतना बड़ा विश्वास जगाया। इसी दौर में दूसरे नंबर पर आपकी तरफ से आम आदमी पार्टी पंजाब के वरिष्ठ नेता सनी अहलूवालिया के नेतृत्व में अध्यक्ष प्रेम गर्ग की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया। आप चंडीगढ़ की तरफ से मेयर पद के लिए कुलदीप धरलोर, सीनियर डिप्टी मेयर के पद के लिए नेहा मुसाफिर और डिप्टी मेयर पद के लिए पूनम संदीप कुमार को मैदान में उतारा गया। डिप्टी मेयर है पूनम, ये तीनों साडे कैंडीडेट ने, साडे सीनियर आगू चंदन मुखी जी, साडे सारे कौंसलर, साडे जसबीर लाडी जी, रामचंद्र यादव जी, योगेश डींगरा जी, प्रेम लता जी, अंजू कटियाल जी, असी सारे इकट्ठे हाँ, अज फाइल करन आए हाँ और फाइल करके असी यह फैसला ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पार्टी का जिन्होंने मेरे पे इतना विश्वास जताया कि मुझे मेयर कैंडिडेट बनाया और इतना मान सम्मान बख्शा। इसके साथ ही भाजपा की तरफ से मेयर पद के लिए मनोज सोनकर, सीनियर डिप्टी मेयर के पद के लिए कुलजीत संधु और डिप्टी मेयर पद के लिए राजेंद्र शर्मा का नामांकन दाखिल किया गया। टक्कर कौन देगा? चंडीगढ़ दे विच इंडिया गठबंधन कह रहा है कि असी मिलके मेयर इलेक्शन लड़ सकते हैं। देखो, अगर मिलके लड़ सकते हैं उस वेले देखेंगे, अज तो कह रहे हैं ना, जो तो करेंगे उस दे बाद देखेंगे। उस दे विच भी 4 दिन ही बाकी है, कोई ज्यादा लंबा चुनौती रहेगा। 100 घंटे दे ही लोकी दुनिया दी जंग जीत लेंदे आ, ते मेयर दा इलेक्शन है। ਤੁਸੀਂ ਗਣਿਤ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਗਣਿਤ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਸੀਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਦੋ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਬ ਲੋਕੋ ਕੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕੇ ਕਾਰਨ ਮੇਅਰ ਬਣਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो मैं यही सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। सभी पार्टियों की तरफ से मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए नामांकन तो दाखिल कर दिए गए, पर ये तो 18 तारीख के चुनावी नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा कि इस बार किस पार्टी का पलड़ा भारी रहा। चंडीगढ़ से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट।